All right, welcome aboard. Welcome aboard. It's 5th May 2021. A very good evening to everyone from Kuwait. And aaj inshallah hamara day 6 presentation ka. We are still in the technical phase. Aaj hum kuch technical terminologies ko padhenge. We will discuss what is fundamental analysis, what is technical analysis or mathematical analysis kya hoti hai. So I'm going to share my screen and please aaj especially I mean it ki aap apne phones ko silent pe rakhein. और अगर आप लेटे हुए तो प्लीज कमरे सीधी कर लें. यू विल नीड टू कंसंट्रेट अ लॉट क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ टेक्निकल नहीं सेंसिटिव भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरी कंफर्म कर दीजिएगा कि इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन. चैट बॉक्स में लिख दें. यस वी कैन. ऑलराइट ग्रेट ग्रेट. सो वेलकम टू द डे 6 ऑफ द क्रिप्टो मास्टरी ट्रेडिंग प्रोग्राम. आज हम कवर करेंगे इन वेरी ब्रीफ व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट इज मैथमेटिकल एनालिसिस, हाउ टू रीड जापानीज कैंडल चार्ट्स, ओके. और फिर हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हम इनको सिर्फ आज टच करेंगे. टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है एंड उनका यूज विल बी डिस्कस टुमारो. सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, लेट मी रीड द डेफिनेशन ऑफ द पावर पॉइंट, फिर हम जो है इसको इजी वर्ड में डिस्कस करेंगे. Crypto trading's fundamental analysis involves taking a deep dive into available information about the financial asset. Koi bhi cryptocurrency hai uski in depth mein agar aapne jana hai, you have to conduct something called fundamental analysis. Idhar jo hai aapke paas jo cryptocurrency ka white paper hai wo ek bada acha aur major role play karega. For instance, you might look at its use cases ke jis cryptocurrency mein aap trade karna cha rahe hain, jisko analyze karna cha rahe hain, aapko डिग करना पड़ेगा कि जी इसके एक्चुअली यूटिलिटी को यूज है. इज इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. यूजुअली जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस होती है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, इट्स मोर रिलेटेड टू इट्स नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड ट्रांसफर स्पीड. दैट्स द बेसिक वन. ओके, सो फॉर इंस्टेंस यू माइट लुक एट इट्स यूज केसेस, द अमाउंट ऑफ पीपल यूजिंग इट, इसको कितने लोग यूज कर रहे हैं. और आपके साथ मैं एक लिंक शेयर कर दूं, कल भी शेयर किया था, आई एम गोना पुट इट अगेन. इट्स www.coinmarketcap.com. यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि जी एक क्रिप्टो करेंसी, वी विल ओपन इट, हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे हाउ टू यूज द coinmarketcap.com वेबसाइट. सो इसका यूज क्या है एंड पीपल, इसकी क्वांटिटी भी कितनी है कि अगर एक क्रिप्टो करेंसी प्रोड्यूस हुई है इसकी क्वांटिटी कितनी है, इज इट अ लिमिटेड क्वांटिटी और द क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज और इट्स एन इन्फिनिट क्वांटिटी. ओके, एंड By people, it can be market circulation इसकी कितनी है. अगर एक coin की जो quantity है it's almost around 20 million, तो इसकी market circulation कितनी है कि कितने coins जो है market में इस वक्त trade हो रहे हैं. And it will give you an information कि कौन सी team है behind the project, developers की team या founders की team या founder की information होना है cryptocurrency के white paper में fundamental analysis में बहुत जरूरी है क्योंकि आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इन डेवलपर्स में अगर डेवलपर्स ने अगर कोई पास्ट प्रोजेक्ट सिमिलर कंडक्ट किए हैं या नहीं किए. ठीक है, यू यूज फंडामेंटल एनालिसिस टू रीच अ कंक्लूजन वेदर ए क्रिप्टो करेंसी इज ओवर वैल्यूड एंड और अंडर वैल्यूड. आप फंडामेंटल एनालिसिस से ये भी असेस कर सकते हैं कि जो आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना चाह रहे हैं इसकी इस वक्त ये ओवर वैल्यूड है ये अंडर वैल्यूड है. ओके, नाउ कीप इन माइंड कि ज्यादा से ज्यादा जो फंडामेंटल एनालिसिस जो काम आती है इट्स मोस्टली इन ट्रेडिंग स्टॉक्स और करेंसीज. उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि करेंसीज जो फियाट मनी है, आपका पेपर मनी है, इसको डिक्टेट करते हैं, इसकी वैल्यू को जो मैनिपुलेशन है या इंटरफेरेंस है ज्यादातर गवर्नमेंट की जो उसको इशू करती है. तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दें, जो आपके पेपर मनी है लाइक डॉलर और पाकिस्तानी रुपी और दिरहम्स और रियाल्स, ये उस कंट्री की स्पेसिफिक सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक की प्रॉपर्टी होती है. वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए बेस्ड ऑन मैनी रीजंस. कुछ रीज़न हो सकते हैं जी उनके जो लोकल इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज क्या है सेंट्रल बैंक की, उनके इन्फ्लेशन रेट का क्या स्ट्रक्चर है, उनकी जीडीपी कैसी जा रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आई थिंक इसे उर्दू में जो है मुल्की मैशत कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा जा रहा है उस कंट्री में, लोगों की जॉब्स बढ़ रही हैं या कम हो रही है, दैट ऑल्सो डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी. और एक चीज को याद रखिएगा, मार्केट में बेशक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं बट इट्स द ओवरऑल पीपल हु मेक अप द मार्केट.
अगर पीपल का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है, दे कैन ऑल्सो डिक्टेट द प्राइस और डायरेक्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी और एनी एसेट। कई लोग इख्तलाफ करेंगे जी, स्टॉक्स के अंदर जब आप फंडामेंटल एनालिसिस एक स्पेसिफिक स्टॉक की कंडक्ट करते हैं, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सब को कंपेयर करते हैं। अब जो लोग लिटरेट नहीं है, जिनको इतनी एजुकेशन नहीं है फाइनेंशियल बैकग्राउंड और कॉमर्स के अंदर, उनको कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है इसमें जो टेक्निक्स है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। और मैंने पहले भी बात की थी कि इस बिजनेस के अंदर आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, ना ही आपको MBA, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर होने की जरूरत है, आपको बस क्लास 5 का मैथ आना चाहिए। सो ये एक जनरल डिस्कशन के लिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक्स के अंदर भी अगर कोई कंपनी की बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कमजोर हो एंड इट्स गोइंग डाउन, अगर बहुत सारे लोगों का ग्रो इस बात पे एग्री कर ले कि हम इसमें कैश डंप करके इसको बाय करेंगे, और जितने ज्यादा बायर्स होंगे उतनी प्राइस ऊपर की तरफ स्काई रॉकेट करेगी और रॉकेट फ्यूल को पी जाएगी। सो पीपल आर द वन हु डिटरमिन द एसेट्स। सो इन केस इफ द कंपनी इज गोइंग बैंकक्रप्ट, इट्स पॉसिबल कि लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम पैसों का डंप करें एंड द कंपनी कैन यूज दैट फंड एज एन एसेट रिजर्व और टू ग्रो देयर बिजनेस। सो दिस इज व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस वेरी इट्स ऑल अबाउट। आप जब किसी अच्छी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहें, यू ट्राई योर बेस्ट के जो डिवेलपर्स हैं उनमें एक सुपरस्टार भी मौजूद हो, जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज के जो को फाउंडर्स हैं दे वर पार्ट ऑफ पेपैल, सम वर डिवेलपर्स इन गूगल, सो दैट एड्स एन इम्पोर्टेंट वैल्यू और कुछ वेट ऐड करता है जी क्रिप्टो करेंसी की क्रेडिबिलिटी में। सो दिस इज बेसिक थिंग, दीज आर बेसिक थिंग्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। सेकेंड थिंग इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इजी, इवन इफ इट्स नॉट, आज हम इंशाल्लाह उसको इजी कर देंगे। टेक्निकल एनालिसिस से मुराद है जी, इट इज अ स्टडी ऑफ प्राइस पैटर्न्स एंड प्राइस स्ट्रक्चर्स, वी विल डिस्कस दैट। ये जो आप न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज चैनल के आप देखते हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो ग्राफ के अंदर जिगजैग्स होते हैं, जो सिमेट्री होती है अप डाउन, इसको स्टडी एनालाइज और असेस करने का तरीका है, विच वी विल डू इट इंशाल्लाह टुडे। मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ डेली वीकली एंड मंथली एवरेज। मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर जो लोग हैं वो यूज करते हैं कि एवरी डे एक क्रिप्टो करेंसी, और ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको आज सिखाए जा रहे हैं ये यूनिवर्सल हैं, क्रिप्टो करेंसीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी, करेंसीज में भी और कमोडिटीज में। और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए आप एक क्रिप्टो करेंसी को चूज करते हैं और आप देखते हैं कि इसकी 5, 10, 15 मिनट दिनों में इसकी एवरेज मूवमेंट कितनी थी, ये कितने परसेंटेज ऊपर गया और कितने परसेंटेज नीचे आया। तो ये आप डेली एनालिसिस करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाना है तो आप मंथली और वीकली एवरेज भी देखेंगे कि पिछले 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में इसकी एवरेज मूवमेंट क्या थी, और अगर आपने लॉन्ग टर्म जाना है तो आप मंथली एवरेज को यूज करेंगे, और मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स जो हैं प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। अब ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिफोर आई गो टू द डेफिनेशंस, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड। प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड। अब जो मार्केट ट्रेड होती है ना, मार्केट का जो डायनेमिक्स मैकेनिज्म है ना, इट इज जस्ट लाइक पिंग पॉन्ग, इट्स जस्ट लाइक टेबल टेनिस। ये किसी का डिस्टॉर्शन आ रही है, प्लीज इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद इट। इट इज जस्ट लाइक अ पिंग पॉन्ग, हमेशा बॉल ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्विंग, इट ऑलवेज हैव टू स्विंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड हैज टू कम बैक। ओके, अब जो नीचे की तरफ जो आप ये लाइन देख रहे हैं, द लाइन दैट यू आर सीइंग हियर, जिधर से हमेशा प्राइस बाउंस बैक होती है और ऊपर की तरफ कर्व ले लेती है और ऊपर की तरफ का मोमेंटम, स्पीड या डायरेक्शन पकड़ लेती है, इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट एंड जिस प्राइस से, जिस जगह से, जिस एरिया से प्राइस बाउंस बैक करती है,
वापस नीचे की तरफ आती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आप साथ साथ ड्रॉ भी कर लें, सो यू कैन हैव योर नोट्स एंड यू कैन इवन अंडरस्टैंड। वीडियो तो हम वैसे ही आपको देंगे, बट इट्स गुड, दिस वे यू विल रिमेंबर द डेफिनेशंस। दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट, जिधर से प्राइसेस ऊपर की तरफ उठती हैं, और रेजिस्टेंस वो एरिया या वो जोन प्राइस का जहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है या फर्दर ऊपर नहीं जा सकती। अब इनकी डेफिनेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा, सो आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डेफिनेशन, आई विल रीड देम आल्सो। अगर आप साथ साथ लिखते भी हैं दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि इतनी ज्यादा डेफिनेशंस इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन। ओके, सपोर्ट इज एन एरिया, पहली डेफिनेशन, सपोर्ट इज एन एरिया वेयर बायर्स आर स्ट्रांग। बायर्स आर स्ट्रांग से मुराद ये है कि मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एंड इट्स प्राइस विल बी मेंटेन्ड एट दैट एरिया। सपोर्ट इज एन एरिया वेयर बायर्स आर स्ट्रांग। दूसरी डेफिनेशन, सपोर्ट इज एन एरिया वेयर प्राइसेस आर चीप। जाहरी बात है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरती है, जब जैसे ही हमारी वाइफ सिस्टर्स या मदर्स शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि वंस दे सी अ नोटिस बोर्ड दैट सेज 25% सेल या अप टू 25% सेल, चीज की जरूरत हो या ना हो, दे विल स्टिल गो एंड बाय इट। तो जो रियल मैन एंड वुमेन है हु आर प्रोफेशनल, जैसे ही प्राइसेस सपोर्ट पे आती हैं, दे बाय। वो शॉपिंग सिर्फ कपड़ों की नहीं, परफ्यूम्स की नहीं, वो क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक्स की भी शॉपिंग करते हैं। सो सपोर्ट इज एन एरिया वेयर प्राइसेस आर चीप एंड दे आर डिस्काउंटेड प्राइसेस। थर्ड डेफिनेशन, सपोर्ट इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर वीक। बायर्स जो हैं मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। बायर्स को, दूसरा वर्ड बायर्स के लिए बुल्स भी है, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग बायर्स को बुल्स भी बोलते हैं। और सपोर्ट वो एरिया, और जो सेलर्स हैं, जितने ज्यादा मार्केट में सेलर्स होंगे उतना मार्केट नीचे गिरती है। सेलर्स को का जो दूसरा वर्ड है उसको हम बेयर्स बोलते हैं। तो सपोर्ट पे चूंकि मार्केट उठती है, इट मींस आल्सो सेलर्स आर वीक एट द सपोर्ट एरिया। फोर्थ डेफिनेशन, सपोर्ट इज एन एरिया वेयर शॉर्ट सेलर्स टेक देयर प्रॉफिट। इसको आप इस वक्त इग्नोर करें, ये मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है। मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप मार्केट के अंदर जो राइज आ रहा है उससे भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इज ऑपोजिट ऑफ बाय। शॉर्ट सेलिंग में अगर मार्केट नीचे गिरती है यू मेक मनी, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी यू विल लूज मनी। मैं इसकी टेक्निकल डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी रिसर्च खुद करें कि व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग या हाउ डज शॉर्ट सेलिंग वर्क। मैं आपके लिए लिख देता हूँ सेंटेंस चैट बॉक्स के अंदर भी, हाउ डज शॉर्ट सेलिंग अ स्टॉक वर्क। कॉन्सेप्ट सेम है क्रिप्टो करेंसी के लिए, जस्ट यू कैन यूट्यूब इट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम मार्जिन ट्रेडिंग पे कंसंट्रेट नहीं करें, हमारा पूरा ही सब्जेक्ट और सेशन सारे स्पॉट ट्रेडिंग पे बेस्ड है, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स गो टू द फिफ्थ डेफिनेशन, सपोर्ट इज एन एरिया वेयर द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर मोर। जैसे ही अब वो लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनको हमेशा ये फील, दे आस्क दिस क्वेश्चन, सर अगर मार्केट नीचे गिर रही है और गिरती जा रही है, हमें कैसा पता चलेगा कि रिवर्सल कब आ रहा है, मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ना है या डायरेक्शन पकड़नी है। ये जी आपकी फिफ्थ डेफिनेशन है। सपोर्ट बिल्ड कैसे होगी, उसकी कुछ अलामत है, जैसे बारिश होने से पहले यू कैन सी सम साइंस के आसमान पे बादल छा जाते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं और जो सनलाइट है वो भी छुप जाती है। इसी तरह मार्केट ने जब ऊपर की तरफ रिवर्स करना हो, दिस इज वन ऑफ द साइंस कि ग्रीन कैंडल्स की जो मकदार है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज, दीज आर फाइव डेफिनेशंस ऑफ सपोर्ट, एंड आप साथ साथ लिखते जाएं, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, या आपके भले के लिए। अब चलते हैं जी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज एन एरिया वेयर प्राइसेस आर एक्सपेंसिव। जहां पे प्राइसेस महंगी होती हैं, और हमेशा स्पेशली हमारी आवाम जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, वो परहेज करते हैं कि एक्सपेंसिव चीज ना खरीदी जाए। सो यू वेट फॉर सेल, वी ऑल द टाइम वेट फॉर सेल, राइट? सो रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर प्राइसेस आर एक्सपेंसिव।
एक्सपेंसिव से मुराद वहां पे रिवर्सल हो सकता है, मार्केट कैन टेक अ डाइव और अ स्ट्रॉन्ग नोज डाइव. सेवंथ, नाउ पॉइंट नंबर सेवन विच इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर बायर्स आर वीक, क्योंकि प्राइस क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और जो एसेट की वैल्यू है वहां पे जो वैल्यू प्राइस मार्केट की जो प्राइस है वो बिल्कुल जायज और माकूल होती है. आई डोंट नो माकूल इफ इट्स द सेम वर्ड इन उर्दू, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है. तो बायर्स फर्दर बाय नहीं करेंगे, बायर्स अगर फर्दर बाय नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं करेगी, और बायर्स अगर वहां पे प्रॉफिट लेना शुरू हो गए तो सेलर्स विल टेक ओवर द मार्केट. सो बायर्स आर वीक एट द हाइज, इसलिए बोलते हैं नेवर बाय द हाइज, बाय द लोज. ओके, तो आप ट्रेडिंग में भी यही एक्सपीरियंस है कि इफ यू बाय द हाइज, एक न्यू हाई जब बनी आप वहीं पे बाय कर लेते हैं एंड मार्केट मेक्स अ रिवर्सल, यू फील सॉरी अबाउट इट, आपको फिर बुरा लगता है कि जी हमने तो इतनी अच्छी प्राइस पे ली थी लेकिन मार्केट नीचे आ गई. जो मार्केट नीचे गिरती है वही एक्चुअली अच्छी प्राइस होती है. इट्स जस्ट लाइक एक नया आईफोन जब आया मार्केट के अंदर, उसकी प्राइस जो है 2 लाख रुपए है, लेकिन आने के फौरन बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद वही 2 लाख रुपए का फोन जो है 1 लाख 1.5 लाख का हो जाता है. सो पीपल फील डिसअपॉइंटेड जो शुरू में ले लेते हैं. तो इसलिए जब मार्केट में कभी भी एक न्यू हाई बने उससे आप परहेज करें, आप उसी हाई पे लें, लेट इट मेक अ करेक्शन, उसको पुल बैक करने दें, उसको थोड़ा सा ड्रॉप होने दें टू गेट इट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस. सो रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर बायर्स आर वीक. तीसरी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, जहां पे फरोख्तदार कमजोर होते हैं उस जगह को रेजिस्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर बायर एग्जिट देयर पोजीशंस इन ऑर्डर टू टेक प्रॉफिट्स. रेजिस्टेंस वो एरिया है या वो जगह जहां पे खरीदार अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं या अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को एग्जिट कर देते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन, रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेर द क्वांटिटी ऑफ रेड कैंडल्स इज मोर. आपको कैसे, आपने सपोर्ट से तो बाय कर लिए, ग्रीन कैंडल्स ज्यादा थी या आपकी जो स्ट्रेटजीज थी टेक्निकल इंडिकेटर्स आपने यूज किए, आपको पता है कि जी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब ठीक ठाक बड़े बड़े लोगों ने इधर परचेजिंग की है और ज्यादातर मार्केट जो है बड़े ट्रेडर्स मूव करते हैं. सो यू हैव ज्वाइंड देम. अब मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हो गई है, आपको नहीं पता लग रहा, नहीं समझ लग रहा कि मैं एग्जिट कैसे करूं या रेजिस्टेंस नेक्स्ट कब है. अगर न्यू हाई बनती है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो, न्यू हिस्टोरिकल हाई बने, हाउ टू डिटरमिन कि अगला रेजिस्टेंस कब कहां है या रेजिस्टेंस कब बनेगा. सिंपल, उसकी जो साइंस है, जो अलामते हैं वो ये है कि जी रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो रही थी, जिसका मतलब सेलर्स मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए. सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि जो कैंडल का हजम है, जो साइज है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर आपको एग्रेसिव साइज नजर आ रहा है रेड कैंडल्स का, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स है, इट मींस गेट रेडी, वी मे सी अ फॉल. सपोर्ट में भी ये चीज वैलिड है जी. अगर आपको बड़ी सी ग्रीन कैंडल, बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स, इट मींस द मार्केट कैन टेक अ रिवर्सल टुवर्ड्स द अपसाइड. अब यहाँ पे की पॉइंट और की टिप और की ट्रिक है, जो सपोर्ट हमेशा अगर टूटती है ना वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जो रेजिस्टेंस कभी भी टूटता है इट टर्न्स इनटू सपोर्ट. ये गारंटीड नहीं है लेकिन 85-90% ऑफ अ टाइम इस तरह होता है. आई विल स्विच टू माय व्हाइट बोर्ड में आई विल शो यू द व्हाइट बोर्ड. अब प्लीज कंफर्म अगेन ऑन द चैट बॉक्स, आप मेरा व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं. ओके, एवरीवन कैन सी इट. ठीक है जी. Now look. ये रेजिस्टेंस था, बायर्स कंट्रोल में है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट आई, बायर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, सेलर्स के साइंस नहीं है, ग्रीन कैंडल्स नहीं आ रही, रेजिस्टेंस टूट गया एंड यू मिस्ड एन एंट्री. ऑफन अक्सर औकात क्या होता है, प्राइस इसी रेजिस्टेंस एरिया पे आएगी. ऑलराइट, ये रेजिस्टेंस जो टूट गई है, it has turned already into support. So there are high probability chances ki yahan se market wapas trend pakad ke upar ki taraf continue karegi. This is what I mean by resistance turned into support. Same cheez agar market niche ja rahi hai zor se,
ओके एंड इट ब्रोक बिलो इट, तो यही सपोर्ट जो टूटी है इट विल गो बैक एंड इट विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है. ओके आई होप दिस इज क्लियर. इफ यू वांट टू ड्रॉ आप ड्रॉ कर लें, यहाँ पे नॉट लिख दें लाइक दिस, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू द पावर पॉइंट अगेन. तो ये हमने कवर कर लीजिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की डेफिनेशन. सॉरी आई थिंक माय कंप्यूटर इज फ्रीजिंग, जस्ट होल्ड ऑन. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तीन प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं, तीन प्राइस पैटर्न्स हैं. यूजुअली जिसने प्राइस स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस किए थे उसका टाइम ही कुडंट मेक हिज बुक इंटरेस्टिंग, तो बहुत सारे प्राइस पैटर्न्स क्रिएट कर दिए गए. बुल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न, ट्राइंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग, दिस इज ऑल नॉनसेंस. तीन प्राइमरी प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं जी, इनके नाम आप देख लें. कंसेंट्रेट विद मी एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रीड देम. पहला है जी आपका बुल चैनल. बुल चैनल, दिस इज द बुल चैनल. ये आपका बुल चैनल है, ये आपका बेयर चैनल है. बुल चैनल के अंदर मार्केट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड. इनको रीड कैसे करना है, ज़िगज़ैग्स को आई विल टीच यू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द बुल चैनल. बुल चैनल के अंदर मार्केट जो है आपको नजर आ जाती है कि इट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड. जो मोमेंटम है मार्केट की, जो मार्केट में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का है. बेयर चैनल के अंदर, इसको सेल चैनल भी कहते हैं, बाय चैनल भी बोलते हैं, सेल चैनल भी. बेयर चैनल के अंदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड. जो मार्केट के अंदर मोमेंटम है, स्पीड है, फोर्स है, या इस वक्त मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, वो डोमिनेंट है. तो बेयर चैनल मीन्स द ट्रेंड इज टुवर्ड्स द डाउन साइड. जो थर्ड आपका चैनल है इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन. इसके कई नाम है, एक है कंसोलिडेशन, पाकिस्तान में लोग इसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, रेक्टेंगल चैनल भी बोलते हैं, बॉक्स चैनल भी बोलते हैं. इस प्राइस स्ट्रक्चर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है. खरीदार और फरोख्तदार ने आपस में इत्तेफाक कर लिया है एक जोन और एक रेंज के अंदर तिजारत करने के लिए. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट अ हॉरिजॉन्टल चैनल मींस. अब इनको ट्रेड कैसे करते हैं, इनको ट्रेड करने का तरीका क्या है, हम एट द एंड ऑफ सेशन आई विल इवन रेफर रिवर्ट टू बाइनेंस स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म. सो लेट्स मूव फर्दर. ड्रॉइंग्स क्लियर कर लें जी. ओके नाउ प्लीज कंसंट्रेट. ये जो आप पीक्स देख रहे हैं ना लेफ्ट पे, एक्सक्यूज मी, ये मार्केट ने हाई बनाई. आगे जितनी भी हाईस बन रही हैं इनको हम हायर हाई बोल रहे हैं, क्योंकि हर हाई जो बन रही है वो पिछली हाई से ऊपर है, ऊंची है. सो हायर हाइज, अगर आपके पास दो हायर हाइज हो जाएं तो कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है. तीसरी, तीन पीक्स बन जाएं तो कंफर्म हो जाते हैं कि जो मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का ही है. सो यू हैव टू वेट फॉर हाई, हायर हाइज एंड हायर हाइज. जो नीचे लोज बन रही है, यहां पे मार्केट की लो थी, हर लो जो बन रही है इट इज हायर देन द प्रीवियस लो. जो अब लो बन रही है, पहली लो तो आपकी इस जगह पे थी ना, ये आपकी पहली लो है, दूसरी लो आपकी यहां पे आई, तीसरी लो यहां पे आई, लेकिन ये हर लो जो है फ्यूचर की लो से ऊंची है, तो इनको हम बोलते हैं हायर लोज. तो व्हेन द मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज इट मीन्स द मार्केट इज इन अपट्रेंड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड चैनल विच इज आवर सेल चैनल या बेरिश चैनल. जब आपके पास अप चैनल हो ना, वेन यू हैव द अप चैनल इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि इसमें जब भी मार्केट नीचे गिरेगी इस लाइन के पास आएगी आप हमेशा बाय करें. ऑलराइट, एंड ऊपर चैनल के यू एग्जिट योर पोजिशन.
अब यहाँ पे जी हमारे पास लोअर लोज हैं, क्योंकि हर लो जो है अगली पिछली लो से लो है जी, नीचे है। सो वी हैव लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अगर दो लोअर लोज आपके साथ आ जाए, इट इज देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, और जितनी भी हाईस्ट बन रही हैं दे आर लोअर देन द प्रीवियस हाईस्ट, पिछले हाई से नीचे हैं, तो हम इनको लोअर हाईस्ट बोलते हैं। अब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल चैनल है, इट्स इजी, इसके अंदर डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है, ना पता मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इसमें मार्केट स्टक है, लेकिन मार्केट जरूर इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी या नीचे की तरफ। तो ये आपके प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, ये जो लोअर लाइंस है ना आपके पास, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन हर चैनल की, ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, और ये जो लाइन है ऊपर की तरफ, दीज आर योर रेजिस्टेंस। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्राइस रेजिस्टेंस को टच हुई नीचे गिर गई, रेजिस्टेंस को टच हुई नीचे गिर गई, सेम यहाँ पे कंसेप्ट है, रेजिस्टेंस को टच हुई नीचे गिर गई, रेजिस्टेंस को टच हुई नीचे गिर गई, रेजिस्टेंस को, सो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप इसलिए लें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके टेक्निकल होंगे तो आप मोबाइल के अंदर वो पिक्चर के ऊपर आप मार्कअप कर लें और क्वेश्चंस पिक्चर के ऊपर ही डाल लें। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके पास आ जाते हैं जी प्राइस स्ट्रक्चर्स। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड प्राइस स्ट्रक्चर्स। इधर आपको कंसंट्रेट करना है मेरे साथ प्लीज। नाउ देयर आर थ्री प्राइस पैटर्न्स, प्राइस स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट, सॉरी प्राइस स्ट्रक्चर्स हमने कवर कर लिए। अब हमारे पास आ जाती थी प्राइस पैटर्न्स। तीन प्राइस पैटर्न्स हैं, पहला है जी ब्रेकर पैटर्न, दूसरा है वेव पैटर्न, तीसरा है रिवर्सल पैटर्न। तो मुझे अगर आप कंप्यूटर यूज करें तो मुझे स्लाइड पे सिखाना चाहिए, बट आई एम श्योर सम पीपल आर एक्सेसिंग द क्लास फ्रॉम देयर मोबाइल फोन, सो आई एम गोइंग टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। ये देखें, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। एवरी वन प्लीज जस्ट अगेन कंफर्म कि आपको व्हाइट बोर्ड अगर नजर आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखने व्हाइट बोर्ड अगर कंफर्म है। ऑलराइट, ओके जी, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ब्रेकर पैटर्न्स जो है मैंने प्रेजेंटेशन में डाला, दो किस्म के हैं, एक एग्रेसिव होता है और एक कंजर्वेटिव होता है, डिफेंसिव, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव। एग्रेसिव को देख लें, अब यहां पे एंटर कैसे करते हैं, यहां पे मैं आपको, आई विल शो यू, टुडे इज एक्शन टाइम। सी, बायर्स कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में, कंट्रोल में, एंड दे रीच द रेजिस्टेंस। रेड कैंडल्स नहीं आई, स्पीड भी मार्केट में अच्छी है, कैंडल पे कैंडल बढ़ती बनती जा रही है, और हर कैंडल जो है ऊपर की तरफ बन रही है, हायर देन प्रीवियस प्रीसीडिंग कैंडल्स। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस में हमेशा प्राइस नीचे गिरती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप वेट करते हैं, यहाँ पे जो प्राइस आती है तो यू वेट अ बिट कि अब क्या होगा यहाँ पे। अगर आपको कंफर्म है कि बायर्स जो हैं स्ट्रांग है, प्राइस टूटेगी, तो आप रेजिस्टेंस, साथ ही प्राइस टूट गई, आप फॉरन क्या करते हैं, आप रेजिस्टेंस से कुछ पॉइंट्स ऊपर अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब यहां पे आपको याद करना पड़ेगा जी पेंडिंग ऑर्डर जो हमने आपको सिखाए थे, मैं ब्रीफली बताता हूं, अगर आपको याद नहीं है प्लीज रेफर टू द वीडियो ऑफ यस्टरडे। यहां पे मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं, लेकिन मार्केट ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेरी जो है आई हैव टू फोकस ऑन द चार्ट, मेरी स्क्रीन पे होना हर वक्त, या मैं यहां पे मार्केट ऑर्डर हिट करूं फॉरन मुझे एंट्री मिल जाएगी। अगर मार्केट ऑर्डर नहीं तो मैं यहां पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता हूं। कौन सा पेंडिंग ऑर्डर लगेगा, यहां पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगेगा, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, इनकी डेफिनेशन कल वाली वीडियो के अंदर, प्लीज रेफर टू दैट। परसों आप क्वेश्चन, अगर आज मैं पेंडिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा व्हाट्सएप के अंदर, इफ यू हैव क्वेश्चन फॉर ऑर्डर्स प्लीज आस्क डे आफ्टर टुमारो। सो स्टॉप लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, यहां पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है, जैसे ही मार्केट मेरे ऑर्डर के पास आएगी रेजिस्टेंस टूटेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ये एग्रेसिव वे है, दिस इज एन एग्रेसिव वे। ओके, डिफेंसिव वे क्या है, डिफेंसिव वे क्या है, इस तरह
नाउ वॉच डिफेंसिव वे, मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस है, यहां पे पुल बैक आया, सेलर्स ने कोशिश की कि हम प्राइस नीचे लेके जाएं, बट बायर्स आर इन कंट्रोल, दे से नो. यहां से फिर जब मार्केट ऊपर जाती है और ब्रेकआउट करती है, तो इस ब्रेकआउट के ऊपर आप ऐड करते हैं, यहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि बायर्स, सेलर्स ने मार्केट नीचे गिराने की कोशिश की, सेलर्स ने मार्केट नीचे गिराने की कोशिश की और वो फेल हो गए. आपको यहां पे पता लगे कि फेलियर जोन है, यहां पे सेलर्स की नहीं चली. ओके, सो मार्केट शूट, इट शूट इट टुवर्ड्स द अपसाइड. अच्छा, जो लोग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं वो इस एरिया के अंदर, इस जहां पे सेलर फेलियर आया, इसे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं. ओके, ये जी आपका डिफेंसिव ब्रेकर पैटर्न है. दूसरा पैटर्न इज वेव पैटर्न. इसको वेव पैटर्न भी बोलते हैं, ट्रेंड पैटर्न भी बोलते हैं और पुल बैक पैटर्न भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ, आप बिजी थे, सोए हुए थे, काम पे थे, मीटिंग पे थे या आप कुकिंग कर रहे थे किचन में, आपसे मार्केट मिस हो गई. अगेन ऑलवेज, कभी भी डिस्करेज नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा सिमेट्री में जाती है, सिमेट्री में चलती है, मतलब zigzags में आती है. मार्केट कभी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती और ना ही स्ट्रेट नीचे आती है. इट विल ऑलवेज गो लाइक दिस, zigzags में. ओके, नाउ हेयर इज द ट्रिक. आपसे ब्रेकआउट मिस हो गया फॉर एनी रीजन, ब्रेकआउट मिस हो गया आपसे, लेट्स चेंज द कलर. अब आपसे जब मिस आउट हो गया, आपके सेकंड ऑप्शन है, जैसे ही प्राइस पुल बैक करे रेजिस्टेंस के ऊपर, आपको क्योंकि आपको पता है, आप लाइक व्हेनेवर द मार्केट पुल्स बैक टू रेजिस्टेंस, अक्सर औकात रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाती है. जैसे ही रेजिस्टेंस के पास टच किया, वापस रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल गई थी, आपने यहां पर अपना बाय ऑर्डर प्लेस किया एंड इट वेंट टुवर्ड्स द अपसाइड. तो यहां पे आप जो है अपना बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे. लिमिट ऑर्डर मींस टू बाय बिलो द करंट मार्केट प्राइस. स्टॉप लिमिट, बाय स्टॉप लिमिट मींस बाय अबव द करंट मार्केट प्राइस एंड बाय लिमिट मींस टू बाय बिलो द करंट मार्केट प्राइस. क्योंकि करंट मार्केट प्राइस जो है वो इस एरिया में है ना, यहां पे आपकी करंट मार्केट प्राइस. तो यू आर असेसिंग के मार्केट जो है रिवर्स करेगी, मार्केट रिवर्स करेगी और दोबारा आपको एंटर होना है. दिस इज कॉल्ड ए वेव पैटर्न. और वेव पैटर्न जो है एग्रेसिव ब्रेकआउट पे भी ट्रेड हो सकता है. ये तो ये अग्रेसिव था ना, हम डिफेंसिव पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं. डिफेंसिव में कुछ इस तरह का होगा, पुल बैक, विल ब्रेक, इट विल गो टुवर्ड्स द अपसाइड, फिर यहां से पुल बैक किया एंड देन यू कैन एंटर एंड गो अप. अच्छा, एक की पॉइंट, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, आपने यहाँ पे फॉरन जैसे टच हुई है इस पे एंटर नहीं करना, तो आप एडिशनल कॉन्फिडेंस के लिए, एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, रिस्क कम करने के लिए पैसों पे, आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस जोन में आती है तो क्या ग्रीन कैंडल्स की मिकदार बढ़ रही है, क्या बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आ रही है. सो दैट्स द वे टू एंटर अ ब्रेकआउट. ठीक है, ये था आपका वेव पैटर्न. वेव पैटर्न को ट्रेड करने के दूसरा तरीका, आपका, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट इधर आके वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी, मुझे बाय नहीं करना, सेकंड ऑप्शन है जी, आप ऊपर से बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाएं और आप ऊपर से बाय कर लें. इट्स ए काइंड ऑफ ए ब्रेकआउट पैटर्न. ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड वे. जब हम अभी प्रेजेंटेशन पे स्विच करेंगे, आप स्लाइड बेशक इसकी प्रिंट शॉट ले लें, प्रिंट शॉट लेके बेशक आप जाके किसी लाइब्रेरी से, ऑफिस के प्रिंटर से इसको प्रिंट करके अपने घर पे ट्रेडिंग डेस्क के इर्द गिर्द चिपका लें. इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग गाइड. आपका जो तीसरा पैटर्न है जी, दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न. इनको एम एंड डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं या टू स्टेप पैटर्न भी बोलते हैं. टू स्टेप पैटर्न की डेफिनेशन क्या है,
इट्स सिंपल M&Ws, और सारी मार्केट गेम ही M&Ws की है। दिस इज हाउ एन एम लुक्स लाइक। मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, बायर स्ट्रांग है जी, प्राइस ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस पे आते हैं, रिजेक्शन आता है। सेलर्स ट्राई टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स द डाउन साइड, बायर्स कहते हैं नहीं, लेट अस ट्राई टू ब्रेक इट, सेलर्स से नो एंड द मार्केट कोलैप्सेस। दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, आपको चार्ट के अंदर M&M नजर आएगा, ठीक है। नाउ अगर मार्केट इज कमिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, मार्केट नीचे गिर रही है, सपोर्ट आ गई, सेलर्स ने खूब कंट्रोल रखा हुआ है, बायर्स नहीं है, बायर्स साथ ही आना शुरू हो जाते हैं, लेट्स टेक द प्राइस अप, सेलर्स कहते हैं नहीं, प्राइस इज एक्सपेंसिव, लेट्स टेक इट डाउन, सेलर्स से नो, बायर्स गिव इट अ फाइनल पुश एंड दे ब्रेक अबव, ठीक है। ये जो एम की जो चोंच है, ये जो एम की बीक है, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं, इसको हम इस एरिया को नेक लाइन बोलते हैं। ये नेक लाइन के अबव जो है, थोड़ा सा ऊपर आप अपना बाय प्लेस करेंगे ताकि आपको कंफर्मेशन मिलती, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया ना इस एरिया में, इस एरिया में आपका छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया है, तो आपको लगता है कि जी यहाँ से प्राइस गिर जाएगी, इसलिए आप इसके थोड़ा सा ऊपर अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और आप W और M को ही यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, इट्स सो सिंपल, यू कैन डू लाइक दिस। मार्केट जब W फॉर्म किया मार्केट ने, इट वेंट अप, अब आपने खरीद लिया, आपको समझ नहीं लगी मैं क्या करूं, मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई। जैसे ही आपको लगे कि W M फॉर्म हो रहा है, तो आप अपने इस M की नेकलाइन की ब्रेक के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी बाय को। और देखें W परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, W इस तरह का भी हो सकता है और W इस तरह का भी हो सकता है, ओके। सिमिलरली इट्स वैलिड फॉर M, M भी आपका कुछ इस तरह का भी हो सकता है एंड कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द पावर पॉइंट। यहां पे मैंने मार्किंग कर दी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ, मोबाइल से आप कैप्चर भी कर सकते हैं, या अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, विंडोज का फिर बटन दबाएं, पेंट पे जाएं, सेलेक्ट पेंट या राइट PAINT और वहां पे पेस्ट कर दें, ओके। सो ये जी ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए पैटर्न्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैंडल्स। बिफोर आई टॉक अबाउट कैंडल्स, एक चीज याद रखें कि ये आप जो देख रहे हैं, जो मैंने आपके लिए मार्किंग्स की हैं, ये जो मार्किंग्स की हैं आपके लिए, हमेशा जब मार्केट पहुंचेगी ना, प्लीज फोकस हियर, आई वांट यू टू फोकस हियर, जैसे ही मार्केट यहां पे आती है ना, टिप पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज मार्क दिस, प्राइस स्ट्रक्चर्स आपने ढूंढने हैं 4 आवर चार्ट एंड अबव, 4 आवर एंड डेली एंड वीकली, बस प्राइस स्ट्रक्चर आप ढूंढेंगे 4 आवर वीकली और डेली चार्ट के ऊपर। प्राइस स्ट्रक्चर सिर्फ यूज होते हैं मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए, क्रिप्टो करेंसी की डायरेक्शन देखने के लिए, कि क्रिप्टो करेंसी की जो डायरेक्शन है, मोमेंटम है, वो किस तरफ है। प्राइस स्ट्रक्चर का मकसद सिर्फ डायरेक्शन जानना और मालूम करना है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। जो प्राइस पैटर्न है वो एंट्री के लिए यूज होते हैं, और आप प्राइस पैटर्न के लिए जो चार्ट यूज करेंगे एंटर करने के लिए, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 आवर चार्ट यूज कर सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन, प्राइस स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, प्राइस पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग एन एंट्री। और ये प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आती है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये समझ लें कि 4 आवर चार्ट है, जैसे ही मैं 30 मिनट से 15 मिनट के चार्ट पे स्विच करूंगा ना, यहाँ पे मुझे M&W मिलेंगे और उनकी नेक लाइन आप यूज करेंगे टू मेक एन एंट्री, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, आई होप इट्स क्लियर। ओके, कैंडल्स कैसे स्टडी करनी है, कैंडल्स, लेट्स लुक एट द लेफ्ट एग्जाम्पल। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, या आप खुद या आपकी स्पाउसेस या
फीमेल मेंबर्स फैमिली की हैं, वेन एवर दे सी अ शॉप लाइक नेक्स्ट बाथ एंड बॉडी और वट एवर, हमेशा वहाँ पे उनको एक फ्रेगनेंस जैसी एक मोमबत्ती मिलती है. अब दैट लुक्स वेरी नाइस, लेकिन एट द बॉटम ऑफ द कैंडल, कैंडल के नीचे हमेशा स्टिकर लगा होता है कि इसकी प्राइस 1000 या 500 रुपीज़ है, और इसकी जो चलने की ड्यूरेशन है, जलने की ड्यूरेशन है, या इसकी एक्टिविटी इस कैंडल की जो है वो 6 घंटे की है या 8 घंटे की है. 8 घंटे के बाद वो कैंडल खत्म हो जाती है. अब इस फिलॉसफी को चार्टिंग में यूज किया जाता है. ओके, ग्रीन कैंडल से मुराद है कि हर कैंडल की ड्यूरेशन है. 5 मिनट की कैंडल भी होती है, 1 घंटे की कैंडल भी होती है, 24 घंटे भी कैंडल होती है. हम एज्यूम कर लेते हैं ये कैंडल 1 घंटे की है, इसकी ड्यूरेशन 1 घंटे की है. अच्छा, ये कैंडल का जो धागा है इसको हम विक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं. कैंडल विक और शेडो, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों साइड्स पे हो सकता है. जो कैंडल विक है इसकी ये जो लोवेस्ट प्राइस, यहाँ पे जो लोवेस्ट टच है इसका, इसको हम लोवेस्ट प्राइस बोलते हैं, और ये हाईएस्ट प्राइस है. प्राइस ओपन का, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर राइट हैंड साइड पे प्राइसेस होंगी ना, तो ये जो इनकी मूवमेंट है कैंडल्स की, दैट विल शो यू अकॉर्डिंगली कि इस वक्त जो है प्राइस क्या थी उस टाइम पे. आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बाइनेंस प्लेटफॉर्म में शो करूंगा. अज्यूमिंग कि 1 घंटे की कैंडल है, 7 से लेकर, ये कैंडल का मतलब क्या जी, 7 बजे ये कैंडल स्टार्ट हुई, यहां से प्राइस यहां से स्टार्ट हुई ओपन, ये ओपन प्राइस है. जब 1 घंटा कंप्लीट हुआ, क्योंकि 1 घंटे की ड्यूरेशन है, 8 बजे तो प्राइस यहां पे क्लोज हुई. लेकिन उस 1 घंटे के अंदर प्राइस ऊपर भी गई, इतना ऊंचा गई थी लेकिन वापस आ गई, इसलिए धागा क्रिएट हुआ. इट वेंट अप एंड इट केम बैक डाउन. ये ऐसी मिसाल है, जब समुद्र के किनारे मट्टी पे चल रहे होते हैं, आप जब चलते जाते हैं पीछे आप अपने फुट मार्क्स छोड़ते जाते हैं, पैरों के निशान छोड़ देते हैं, इसी तरह ये निशान है कि इस दौरान, इस घंटे के दौरान प्राइस इतना ऊंचा गई लेकिन वापस आ गई, प्राइस इतना नीचे गई और फिर वापस आ गई, शोइंग दैट द बायर्स आर इन कंट्रोल. रेड कैंडल से मुराद सेलर्स आर इन कंट्रोल. इसमें सेलर्स डोमिनेंट थे, सेलर्स कुवत में थे, फरोखतदार कुवत में थे. ओके, लेकिन फर्क ये है कि जी रेड कैंडल के अंदर ये ओपन प्राइस ऑपोजिट होती है, क्लोज नीचे है, और हाई लो सेम होता है. अगर ये 24 आवर्स की कैंडल थी, इसका मतलब 12 बजे रात को कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर अगले रात के अगेन 24 आवर्स का साइकिल यहाँ पे क्लोज हो गई, एंड वाइस वर्सा. दिस इज हाउ टू रीड ए कैंडल. एक्सक्यूज मी. अब प्राइस स्ट्रक्चर आपने सीख लिए, प्राइस पैटर्न भी आपने सीख लिए. प्राइस स्ट्रक्चर की अलग स्ट्रेटेजी से ट्रेड करने की, प्राइस पैटर्न की अलग है, और कैंडल पैटर्न की एक अलग दुनिया है. आई विल डिस्कस ओनली 2 और 3 कैंडल पैटर्न हियर. ओके, एंड आपको फिर इंशाल्लाह आज की जो जो तखीर हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए आपके साथ एक बड़ी अच्छी कैंडल चार्टिंग के ऊपर हम बुक शेयर कर देंगे. सो हियर वी गो. 2 किस्म की कैंडल्स हैं जी, ये डबल कैंडल पैटर्न टेक्निक है. इसमें 2 कैंडल्स यूज होती हैं ट्रेडिंग का फैसला करने के लिए, टू मेक अ ट्रेडिंग डिसीजन. ट्रेडिंग डिसीजन करने के लिए ये डबल कैंडल पैटर्न है, मामा बेबी एंड बेबी मामा. मैं व्हाइट बोर्ड पे स्विच करता हूँ जी. लेट्स स्विच टू द व्हाइट बोर्ड. कंफर्म अगेन इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड. फर्स्ट कैंडल इज द मदर कैंडल, सेकेंड कैंडल इज द बेबी कैंडल. ठीक है, अब ये दिस इज द हेड ऑफ द मदर, दिस इज द हेड ऑफ द मदर, एंड दिस इज द फीट ऑफ द मदर. यहां पे जैसे ही आपको मामा बेबी कैंडल स्ट्रक्चर मिले, आप मदर के हेड के ऊपर जो है बाय एंट्री लेंगे. फर्ज कर लें यहां पे प्राइस $10 है कॉइन की, यहाँ पे $10 और 20 सेंट है. जैसे ही मदर के हेड के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है,
यू वुड एंटर एट फ्रॉम द हाई, ठीक है। और ये जो मदर के फीट है ना, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इफ यू वांट टू यूज स्टॉप लॉस। ये आपका मामा बेबी कैंडल पैटर्न। मामा बेबी कैंडल के सबसे अच्छे रिजल्ट हैं, जो सबसे अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट हैं, वो 4 आवर और डेली चार्ट पे। प्लीज राइट इट डाउन, मामा बेबी कैंडल्स यील्ड ए वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड अबव। आप मेरे पास ऐसे से लोग हैं जैसे मामा बेबी कैंडल देखते हैं, जस्ट दे पुट द मनी इन, दे हिट द बाय एंड दे फॉरगेट। एक तरीका ही है। दूसरा, अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप वेट कर लें कि मार्केट अगर सपोर्ट की तरफ आ रही है और आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, यू कैन गेट इन। दूसरा पैटर्न, दैट इज बेबी एंड मामा पैटर्न। इसमें जी बेबी इज इन द सेंटर ऑफ द मदर, बेबी इज इन द सेंटर ऑफ द मदर। वही कॉन्सेप्ट है, मदर के हेड पे बाय लेंगे, मदर के फीट पे आप सेल लेंगे। अच्छा, अगर आपने चीटिंग कर ली है, अगर आपको ज्यादा ही इचिंग हो रही है, व्हाट यू कुड डू इज आप कलर्स को इग्नोर कर सकते हैं, ये चीटिंग है। मदर को हमेशा ग्रीन होना चाहिए इफ यू वांट टू टेक ए बाय एंट्री, लेकिन लेट से मदर इज रेड, यू कैन स्टिल, इट विल बी अ रिस्की ट्रेड बट यू कैन इवन यूज इट, आप अगेंस्ट जरूर के जा सकते हैं। अगर लेकिन आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि आप सपोर्ट के पास हैं, ग्रीन कैंडल्स की क्वांटिटी ज्यादा है कि नहीं, तो ये चीजें फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। अच्छा, ट्रेड इनवैलिडेट कब होगी? ट्रेड जो है, ट्रेड किस वक्त नहीं होगी? अगर बेबी कैंडल का जो साइज है मदर से बाहर है, इट्स रॉन्ग, इट्स इनवैलिड, ठीक है। इट हैज टू बी विद इन द जोन, within the zone of the mother, it cannot be outside, ठीक है। यहां तक के अगर आपके पास baby candle है इस तरह, और लेकिन baby candle की जो wick है वो mother के बाहर है, this will not be considered as a mother and baby candle. excuse me, I hope this is clear. Okay, ये जी dual candle technique. बाकी आपके पास आ जाती है single candles. Okay, single candles, वो भी बहुत easy है. एक होती है pin candle, एक होती है hammer candle. Pin candle देखने में कुछ इस तरह की है. Color इसमें relevant होता है, irrelevant है. Color की इतने, color को इतनी अहमियत नहीं दी जाती. Hammer candle आपको इस तरह का लगेगा देखने में, दिस इज आवर हैमर कैंडल लुक्स लाइक। थोड़ा सा पर मे बी अगर इतना सर निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिन कैंडल जो है, पिन कैंडल इट वुड लुक लाइक दिस, दिस इज हाउ ए पिन कैंडल लुक्स लाइक। ओके, this is how a pin candle looks like. concept wahi hai, iske head pe buy lagana hai, iske tail ke niche sell stop. pin candles ke bhi results jo hain sabse acche 4 hours chart ke upar aate hain aur daily chart pe to bahut zabardast aate hain. okay, so pin candle can also look like this. this is also a pin candle. thoda matlab ye narrow hai. So I hope you get the point. Pin candle ऐसी भी होती है, ऐसी भी हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर टू टेक स्क्रीनशॉट। इसके हाई पे आप बाय लगाते हैं और इसके लो पे आप सेल स्टॉप लगा देते हैं, स्टॉप लॉस अपना सेट कर देते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टाइम भी फिनिश हो रहा है, लेट्स ट्राई टू कवर दिस एज फास्ट एज वी कैन। This is how to study the candles. Let's see what do we have further. I've shared my screen. So yahan pe maine likh diya, entries draw kar diye, entry kidhar karni hai, exit kidhar karni hai. What are technical indicators? Inko hum ab jaldi jaldi cover karenge. Technical indicators ji,
ये एक विजुअल मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसको एक विजुअल फॉर्म में चार्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे गाड़ी के इंडिकेटर्स होते हैं, आप गाड़ी को देखते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर राइट साइड का सिग्नल इंडिकेटर ऑन है तो यू नो दैट द कार इज गोइंग टू टर्न राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट इंडिकेटर ऑन है इट मीन्स गोइंग टू बी लेफ्ट, अगर दोनों इंडिकेटर्स ऑन है इट मीन्स बी केयरफुल, क्योंकि गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा ना कि हमारे गाड़ी ने किससे जाना है। सो टेक्निकल इंडिकेटर्स आर विजुअल विजुअल डिस्प्ले ऑफ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मार्केट ट्रेंड मोमेंटम एंड सम ट्रेडर्स यूज इट फॉर एंट्री एंड एग्जिट। आज हम सिर्फ इनको इंट्रोडक्शन करेंगे, देखने में कैसे हैं, इनको यूज कैसे करते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स बेसिकली चार्ट पे आपकी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, और टेक्निकल इंडिकेटर्स को एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वेल नोन और लीडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट फोर। RSI, RSI स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, MACD भी बोलते हैं इसको, मूविंग एवरेज क्रॉस डाइवर्जेंस, तीसरा जी मूविंग एवरेजेस, और चौथा है बोलिंजर बैंड्स। अब ये चार आपको सिखाए जाएंगे, इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आपने चारों यूज करने और चारों अपने चार्ट के अंदर जबरदस्ती ठूंस देने हैं, एक इंडिकेटर भी काफी होता है पैसे बनाने के लिए। ओके प्लीज नोट, जितने भी लोग आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के अंदर इतने ज्यादा दो तीन से ज्यादा इंडिकेटर डाले हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग और शो ऑफ कर रहे होते हैं, इनको ट्रेड करना कोई नहीं आता। सो ऐसे लोगों से बच के रहिए, और ना ही किसी के मशवरे की आपको जरूरत है कि आप इतने ज्यादा इंडिकेटर डालें। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है एंड हाउ टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। सो लेट्स गो। RSI जो है ये स्ट्रेंथ मेजर करता है, ये कुवत मेजर करता है कि मार्केट जो है महंगी हो चुकी है बहुत या सस्ती है। RSI के अंदर दो लेवल्स होते हैं, 70 और 30। 70 से ऊपर अगर RSI गया है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि RSI देखने में कैसा होता है, अगर RSI की वैल्यू 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, इट मीन्स प्राइसेस आर एक्सपेंसिव, रिवर्सल आ सकते हैं। अगर RSI की वैल्यू 30 से नीचे है इट मीन्स प्राइसेस सस्ती हो चुकी हैं, तो आप खरीदने की तैयारी पकड़े। MACD ये इंडिकेटर आपको मार्केट के अंदर मोमेंटम बताता है कि इसके अंदर जो मार्केटिंग कुवत है इसकी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ। मूविंग एवरेज एक बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है जी, इसके अंदर काफी आई नो लॉट ऑफ पीपल हु मेड मिलियंस इन बिग बिग इंस्टीट्यूशंस एंड इवन बाय देमसेल्व्स ओनली बाय यूजिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो इसकी एक वैल्यू होती है, अगर 10 20 30 वट एवर यू कैन सेट इट वट एवर यू वॉन्ट, ये एवरेज प्राइस एंटर करते हैं पिछले कैंडल्स की। आज डेप्थ में थे, जस्ट हैव एन आइडिया कि मूविंग एवरेज जो है इट इज जस्ट अ टेक्निकल इंडिकेटर। बॉलिंजर बैंड्स हैं ये जी, एक ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर। अच्छा मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड ये ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर है जब मार्केट ट्रेंड में हो, हायर हाइज लोअर लोज कंसिस्टेंटली बना रही हो, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे टू मेक एक्स्ट्रा मनी। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, ब्रेकर पैटर्न जो है इसके सक्सेस रेशियो 75% है, जो आपका रिवर्सल पैटर्न है उसकी 70%, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पैटर्न पैसे बनाते हैं दैट इज द वेव पैटर्न। ओके हम वेव पैटर्न को कंबाइन करेंगे मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड के साथ नेक्स्ट सेशन में। बॉलिंजर बैंड के अंदर तीन लाइंस होती हैं, ये जी आपका RSI है, दिस इज हाउ एन RSI लुक्स लाइक। इसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए दैट विल बी डिस्कस टुमारो। ये लेवल्स हैं 30 और 70। 70 से ऊपर प्राइसेस महंगी हैं, 30 से नीचे प्राइसेस सस्ती हैं। प्राइसेस किसकी, वो स्टॉक भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। ये जी MACD डाइवर्जेंस MACD इंडिकेटर है, इसके अंदर बहुत से तरीके हैं इसको रीड करने के, आज मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करूंगा इनको यूज कैसे करना है। ये आप देख रहे हैं कर्ल्स, इनको हिस्टोग्राम बोलते हैं, यहां पे आपकी जीरो लाइन, कर्ल्स जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर शिफ्ट करें तो आपको इंडिकेशन मिल रही थी कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है, अगर जीरो से नीचे आ जाए इट मींस मार्केट का जो ट्रेंड है उस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट्स हाउ MACD इंडिकेटर लुक्स लाइक। इसकी यूजेज हम कल बात करेंगे इस पे। ये मूविंग एवरेज है, अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर हैं इसका मतलब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ का है, बायर स्ट्रांग है। अगर प्राइसेस मार्केट के नीचे मूविंग एवरेज के नीचे है इट मींस द ट्रेंड और द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउनसाइड। ये बॉलिंजर बैंड, इसके अंदर तीन बैंड होते हैं, लोअर बैंड को कुछ लोग सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं,
और अपर बैंड को रेजिस्टेंस के तौर पर. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट टेक्निकल इंडिकेटर्स आर. वी आर डन. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. थैंक यू फॉर लिसनिंग. आज उम्मीद है कि आप जो है यू हैव बीन हैप्पी अबाउट इट, एक्साइटेड रहे, क्योंकि पहले सेशन, पहला फेज जो हमारा थियोरेटिकल फेज था, इट्स मोर बोरिंग बिकॉज इट हैज मोर टू डू ऑफ टॉकिंग. तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस एंड इन द फ्यूचर सेशंस हम चार्ट पे ऐड करेंगे इन इंडिकेटर्स को, एंड वी विल ऑल्सो ड्रॉ द चैनल्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. क्वेश्चन आंसर लेते हैं. Over to you, Ms. Tahira. Yes, yeah. हम आप स्क्रीन शेयर खत्म कर दीजिए. Done. जी. अब ऑलरेडी हमारी बहुत लंबी क्लास आज की हो चुकी है और इस वक्त जो पांच हाथ खड़े हैं, प्लीज हम इन्हीं से क्वेश्चंस करेंगे. इसके इनके अलावा कोई और अगर किसी के क्वेश्चंस हों तो वो फिर ग्रुप पे पूछ लीजिएगा. एंड आई नोटिस्ड के हमारे जो प्रिंस हैं ये उस पर बहुत ज्यादा डिटेल से रिप्लाई कर रहे होते हैं. तो ये जो पांच लोग हैं, अभिषेक गिल, नदीम, तैमूर खान, अयाज एंड मंसूर अली, हम इनसे क्वेश्चंस करेंगे. तो हम अभिषेक से स्टार्ट करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है जी. प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन. सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है. एक तो ये ग्रीन रेड जो आपने समझाया सर कैंडल का, एक तो ये नहीं समझ आया सर मुझे, और लिमिट ऑर्डर का सर मुझे थोड़ा बता दिएगा लिमिट ऑर्डर क्या था. और सर ये जो आपने स्ट्रक्चर और प्राइस पैटर्न, सॉरी इट्स ओके जी, प्लीज गो. सर आप बोलो सर, जो आपने प्राइस स्ट्रक्चर और प्राइस पैटर्न में जैसे बताया कि 4 hours वीकली और डेली सर हमें ये देखना है, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बता दीजिएगा कि किस तरह, मतलब हमें समझ आएगा कि वीकली पे हमें काम करना चाहिए 4 hours पे, या मतलब कि डेली पे, ये क्या किस तरह मतलब हमें करना चाहिए. अच्छा, अपना दूसरा क्वेश्चन सिर्फ रिपीट कीजिएगा प्लीज. लिमिट ऑर्डर. हाँ जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डन हो गया जी. ठीक है जी, आप अपने आपको म्यूट कर लें, हैंड रेज नीचे कर लें. ओके जी, पहली चीज जो ग्रीन कैंडल होती है मामा बेबी कैंडल के अंदर, जो मदर कैंडल है उसको ग्रीन होना चाहिए, और जो ग्रीन कैंडल है ना आपने उसके ऊपर अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है. उसके ऊपर जब वो ब्रेकआउट होगी प्राइस या प्राइस उसके ऊपर जाएगी ना हेड से मदर के, उधर आपने बाय एंट्री करनी है. कल इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा चार्ट पे कैसे देखते हैं. इसके जो अच्छे रिजल्ट मैंने बोले हैं कि 4 hour और डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे, अगर आपने 1 hour पे भी यूज करना है, 15 minute के चार्ट पे यूज करना है, आप वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छे रिजल्ट इसके 4 hours और डेली पे आते हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 1 hour पे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐड करें. लिमिट ऑर्डर से मुराद है आपको प्राइस जब नीचे गिरती है एक सस्ती प्राइस पे बाय करना है, एक आप पेंडिंग ऑर्डर रख देते हैं, जैसे ही मार्केट गिर के उस प्राइस पे आती है जो नीचे वाली प्राइस है सस्ते वाली, उस पर आप फिल हो जाते हैं. आपका आई गेस सेकेंड क्वेश्चन ये था. थर्ड क्वेश्चन जी आपका, सॉरी आई कुडंट नोट इट डाउन, थर्ड क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. जी हम क्वेश्चन यही था, आपने आंसर कर दिया सर, 4 hours वीकली. ओके डन, थैंक यू जी. थैंक यू अभिषेक एंड नदीम, आप क्वेश्चन कीजिए. Thank you very much. Assalamu alaikum. First of all, Mohsin, you actually made it very simple. So thank you very much for that. Otherwise, I was trying to actually learn these patterns since I was trading actually in the stocks, but never actually made it that simple. Just actually on this side, sometimes your market moves against the expectations. We actually did basically the charting and everything. So how to assess that reversal, particularly in crypto? So that's the main question. Okay, G. Mr. Nadeem, okay, I will answer this question, but I would suggest that you video aaj ki recording dobara refer kijiyega. How to predict? Agar aapne buy kiya hua hai, so you have to see kya red candles ki quantity 1 hour time frame ke 1 hour time frame pe badh rahi hai. This is one way. Second thing, आपको चार्ट में नजर आ जाएगा एम एंड डब्ल्यू पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं. कल इंशाल्लाह हम इसको इन डेप्थ कवर कर लेंगे, या मे बी इफ देयर इज चांस इफ यू वांट टू लीव पुट दिस क्वेश्चन इन व्हाट्सएप, मे बी आई विल मेक अ ड्राइंग फॉर यू एंड आई विल पुट इट इन. ओके
Thank you very much. Welcome. Right, thank you. And ab Taimur Khan, aap kindly question puchiye. Assalamu alaikum sir, mera question ye hai ki jo agar W pattern ban jaye to aapne ye kaha ki W pattern ban jaye to hame buy karna hai aur M pattern ban jaye to hame sell karna hai, mujhe ye thoda sa confirm kar dein. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने बताया हैमर कैंडल एंड पिन कैंडल, ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा बता दे हैमर कैंडल और पिन कैंडल के लिए टाइमर हमें कौन सा यूज करना है, लाइक टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करें इनको देखने के लिए. नो प्रॉब्लम. देखिए जी, हैमर कैंडल और पिन कैंडल जो है ये आप ट्रेड कर सकते हैं 1 आवर चार्ट एंड अबव इनके, लेकिन जो अच्छे अच्छे रिजल्ट है वो 4 आवर और डेली चार्ट के ऊपर आते हैं. मैं आप लोगों से इंशाल्लाह एक फाइल आज शेयर करूंगा, आप उसके अंदर भी जाएं, उसके अंदर भी तफसील से बताया गया है, ठीक है. So I hope I answered your question. कुछ मैंने मिस तो नहीं किया सर? W एंड M पैटर्न, उसके बारे में. W की जो चोंच बनती है उस चोंच को हम नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में. नेक लाइन W के ऊपर जब वो चोंच है, क्योंकि छोटी सी वो एक माइनर रेजिस्टेंस, एक कमजोर रेजिस्टेंस होता है. आपको नहीं पता कि जब प्राइस दोबारा W की चोंच पे नेक लाइन पे आती है वहां से रिवर्सल होगी कि नहीं, इसलिए आप W के ऊपर आप बाय ले सकते हैं. अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिए, कल हम बातें करेंगे इनको यूज कैसे करते हैं, और कल इंशाल्लाह ऐसे तरीके आपसे डिस्कस किए जाएंगे जिसमें आपको एम डब्ल्यू रेजिस्टेंस सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है. आई विल मेक ट्रेडिंग मोर इजी फॉर यू. आर्यन साहब, बुक का नाम जो है, इट्स द बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक. ओके सर, थैंक यू सो मच. प्रिंस, आई वुड रिक्वेस्ट कि बुक का नाम अगर आप चैट में लिखते हैं, लोग पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको याद रहेगा, ताकि स्पेलिंग भी एग्जैक्टली. मैं इनके साथ बुक शेयर कर दूंगा. आई विल राइट इट, आई विल गिव देम द बुक. इनको बुक मिल जाएगी. ओके ओके, दैट्स वंडरफुल. राइट, अयाज अहमद, अब आप काइंडली क्वेश्चन पूछिए. सर, मेरा एक क्वेश्चन था अबाउट जो आपने बताया था कि व्हेन रेड कैंडल साइज एंड नंबर जो है वो ज्यादा होता है, तो उसके वक्त हमें मतलब सेल की तरफ जाना चाहिए या वो थोड़ा सा कैंडल इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेड कैंडल्स. जब रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, इसका मतलब सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स कमजोर पड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये इलामत है जी, ये इलामत है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है. और एज अ ट्रेडर आपने खुद फैसला लेना है कि मैं इसको एग्जिट करूं या होल्ड रखूं, या मैं हाफ ऑफ द एसेट्स वो बेच दूं. सो दिस इज हाउ टू यूज इट, एंड आई वुड सजेस्ट कल भी इंशाल्लाह हम ये कवर कर लेंगे. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माय आंसर, आप WhatsApp में लिख दें, मैं आपको इसके अंदर भी रिप्लाई कर दूं. ठीक है सर. और सर, मैंने जैसे जो प्राइस पैटर्न्स की जो आपने एक तो बताया था कि जो प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो उसमें 4 आवर्स एंड डेली के जो चार्ट्स हैं वो ज्यादा हमें एक्यूरेट या बेहतर बताते हैं. और जो प्राइस पैटर्न्स में आपने कुछ बताया था कि एंट्री के लिए जो हम यूज करते हैं, तो उसमें 30 मिनट्स और 15 मिनट्स और इस तरह से उसकी टाइमिंग दोबारा से. ठीक है जी, आप ये व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन प्लीज पोस्ट कर दें. तो एंट्री के लिए आप प्राइस पैटर्न्स यूज करते हैं, रिकमेंडेड टाइम फ्रेम्स 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट है. और डायरेक्शन अगर आपने देखनी है मार्केट की, जूम आउट करके चार्ट को जूम आउट करें, मैक्सिमम उसको जूम आउट करके 4 आवर डेली या वीकली चार्ट यूज कर लें. इनमें से कोई भी एक, जरूरी नहीं कि आपने हर जगह ड्राइंग्स करनी है. बुक, द बुक हैज बीन शेयर्ड इन द वेबिनार. राइट, ग्रेट. अब जस्ट 2 मोर क्वेश्चंस. मंसूर अली से क्वेश्चन पूछेंगे और एक हमारे आईफोन यूजर है उनसे क्वेश्चन पूछेंगे. तो पहले मंसूर अली. सर अस्सलाम वालेकुम. हेलो एवरीवन. सर मेरा क्वेश्चन है अपना, जो आपने आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमें, हम वी आर फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम यू. लेकिन एक रिक्वेस्ट थी कि अगर लाइव ट्रेडिंग में ये चीजें जो आज आपने पढ़ाई हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब अगर लाइव ट्रेडिंग नहीं होगी तो हमें सही से समझ में नहीं आएंगी, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइव ट्रेडिंग में ये अगर चीजें आप आज वाले लेक्चर की एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा. नो प्रॉब्लम जी, इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. ओके सर, थैंक यू जी. थैंक यू मंसूर अली. और आईफोन जो हमारे यूजर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना नाम भी काइंडली बता दीजिए और क्वेश्चन भी पूछिए. मेरा ख्याल है कि इस आईफोन के पीछे कोई नहीं है. May actually I ask a small question? This is Nadeem.
अपने क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. प्लीज आप लोग देखें एक चीज का मेरा अब आप लोगों से गिला है. हम लोग आपको एक बड़ा अच्छा क्वालिटी मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं. आप प्लीज मॉडरेटरी को भी अप्रिशिएट किया करें. डायरेक्ट सर मेरे से क्वेश्चन ना पूछा करें. एंड सेकेंडली सक्सेस इज विजन प्लस एक्शन. फेलियर इज विजन माइनस एक्शन. हमने विजन आपको डिलीवर कर दी है. हमने विजन आपके पास ऑलरेडी है. अगर आप लेंगे प्रॉपरली ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे. You have to attend the training. You have to learn the strategy. You have to revise the videos. So, ji, mere ji, yehi request hai. Success is vision plus action. Agar aap action nahi lenge, you won't be able to reach the success. And thank you so much for your time. Apologies for the delay today. Please go through the book. Jo PDF aapko di hai, bilkul technical nahi hai. Bade achhe isme diagrams, images maujood hain. Go through it, and inshallah, all the best and good night from Kuwait. थैंक यू वेरी मच प्रिंस. एंड दिस ट्रेनिंग इज रियली गोइंग सो वेल. जिसको कुछ भी नहीं पता था उसको भी मेरे जैसे को भी बहुत कुछ अगर समझ आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको एटलीस्ट बेसिक्स का कुछ पता था. सो दिस इज रियली वंडरफुल टू हैव यू फॉर दिस ट्रेनिंग. सो ऑन बिहाफ ऑफ अशरफ चौधरी टीम आई एम रियली सीरियस. आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. ओके जी गुड नाइट एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज. और कल अब हम दोबारा इंशाल्लाह ताला टाइम पे स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.